हाँ जी स्टूडेंट, इस वीडियो दे विच आपां क्लास नौवीं चैप्टर अपना फस्ट चलता पिया संख्या प्रणाली अभ्यास 1.6 दे सवाल करने हैं। तो पहलियां वीडियोज़ दे विच आपां 1.5 तक दे सवाल जिहड़े कर लए आ, जे तुसीं पहलां वो नहीं देखे तो पहलां वो वालियां वीडियोज़ प्लेलिस्ट दे विच जाके पहलां वो देखो तो फिर इस नूं कंटिन्यू करियो अभ्यास 1.6। तो देखते हैं फस्ट क्वेश्चन की है ये कि पता करना आपां 64 की घात 1/2 कितनी होती है, 32 की घात 1/5, तीजा सवाल है 125 की घात 1/3 कितनी है। तो बेसिकली अपने को सवाल ये इको नाल दे ही है तकरीबन, तो तुहानू जे सवाल ये करने गुणनखंड बनाने होने चाहिए, अभाज गुणनखंड जिहड़े कि आपां तुहानू मैं सिखा दिंदा किवें करने आ। जिवें पहला सवाल आ कि 64 दे उपर घात हैगी है 1/2, आपां की करना आपां 64 दे गुणनखंड बना लेने आ। तुसीं कहिंदे गुणनखंड सर बनाउंदे आ, पहला 64 देखो 2 दे पहाड़े उपर जाऊगा, जदों 64 नूं 2 नाल आपां भाग कीता किन्ना आंसर आ गया 32, जदों 32 नूं 2 नाल भाग कीता आपां किन्ना आंसर आ गया 16, 16 नूं 2 नाल भाग कीता किन्ना आ गया 8, 8 नूं 2 नाल भाग कीता किन्ना आंसर आ गया 4, 4 नूं 2 नाल भाग करांगे आंसर हैगा 2, 2 नूं हुण जो 2 नाल भाग कीता आंसर आ गया 1। इहदा मतलब तुसीं कहिंदे हो कि सर कि 64 नूं आपां की लिख सकदे आ, 2 गुणा 2 किन्ने वार आ 3 4 5 ते 6 वार, तो गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 3 ते 3 6 3 3 6, इहदा मतलब आपां 2 दी घात की लिख सकदे आ 6, 64 नूं की लिख सकदे आ 2 दी घात 6। हुण उन्हां ने की किया आपां की पता करना 64 दी घात 1/2, तो इधरले पासे भी 1/2 लाता, इत्थे भी 2 दी घात उपर 6 दे उपर की ला दो 1/2। हुण आपां एक रूल कीता सीगा 8वीं दे विच कि जे एक घात दे उपर एक कोई संख्या ए है दे उपर घात एम आ, उपर ब्रैकट लग के घात एक एन आ, तो की हो जांदियां घातां आपस दे विच की हो जांदियां मल्टीप्लाई हो जांदियां, ठीक है। तो उही रूल लाउणा आपां, 2 दे उपर घात हैगी 6, उपर घात सी 1/2, ये की होगी मल्टीप्लाई। जो 6 गुणा 1/2 बनया तो की किया 2 एकम 2 2 तीआ 6, तो कला की रह गया 2 दे उपर घात कली कि रह गई 3, 2 दे उपर घात 3 का मतलब की है 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दुनी 4 4 दुनी 8, तो यह की आ गया अपने को आंसर पहले का 8। नंबर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं की आ, 32 दे उपर घात हैगी है 1/5, तुसीं कहिंदे कि सर इहदे विच आपां पहलां 32 दे गुणनखंड बना लईए की बनणगे, तो 32 दे गुणनखंड पहलां 2 नाल भाग कीता किन्ना आ गया 16, 2 16 नूं 2 नाल भाग कीता 8, फिर आ जूगा 4, फिर आ जूगा 2, फिर आ गया 1, इहदा मतलब आपां 32 नूं की लिख सकदे आ 1 2 3 4 ते 5, 2 दी घात 5, मुल किहदा पता करना आपां 32 दी घात 1/5 दा, तां इधर भी घात 1/5, इधर भी घात कितनी करती 1/5। हुण आही रूल आपां फिर लाता दुबारे तो निजम कि घातां की हो जाणगियां आपस दे विच मल्टीप्लाई, हुण 1/5 उपर पिया 1/5 थले पिया दोनों कट्टे गए कला की रह गया 1, 2 दे उपर घात 1 का मतलब की है कला 2, तो इहदा आंसर कितना आ गया 2। तीसरा देखते हैं क्वेश्चन की आ, तीसरा हैगा 125 दे उपर घात हैगी आ, तुसीं कहिंदे 1/3, ये दसना कहदे बराबर आऊगा, तो 125 दे गुणनखंड बनाईए पहला आपां। हुण 125 है इहदा लास्ट वाला अखर 5 आ, तो 2 दे पहाड़े उपर तां इहने जाणा नहीं, 3 दा पहाड़ा देखणा इहदू बाद, 3 दे पहाड़े उपर वह संख्या जांदी है जिहदे अंकां दा जोड़ 3 दे पहाड़े ते आवे, तो अंकां दा जोड़ करो 1 ते 2 3, 3 ते 5 8, 8 हुण 3 दे पहाड़े ते नहीं आउंदा, इहदा मतलब 125 ने भी 3 दे पहाड़े उपर नहीं जाणा, तो 3 तों बाद देखणा हुंदा आपां 5 दा पहाड़ा। हुण 5 दे पहाड़े ते ना वह संख्या जांदी आ जिहदा लास्ट वाला अखर जां तां 0 होवे जां होवे 5, तो इहदा लास्ट वाला अखर तुसीं कहिंदे 5 हैगा, तो यह 5 दे पहाड़े ते जाऊगा, तो पहला जाऊगा 5 ते, तां इत्थे देख लांगे किन्ना आऊगा, 125 नूं आपां भाग किहदे नाल करनी आ 5 नाल, तुसीं कहिंदे पहला 5 दूनी 10 कर दो, 5 कैरी रह गया 5 5 25, तो किन्ना आ गया अपने कोल आंसर 25।
हुण 25 फिर 5 दे पहाड़े उपर जाता 5 5 25 5 1 5 तो 125 आप लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 3 बार मतलब 5 की घात 3। हुण 125 दे उपर घात किन्नी है 1/3 इधर भी घात करती 5 की घात 3 दे उपर घात 1/3 की बन गया घाता गुणा होगा 3 × 1/3 तो 3 उपर पिया आ थले पिया दोनों की है कट्टे गए कला की रह गया 5 दे उपर घात 1 मतलब कला 5। तो पहले का आंसर 8 से दूजे 2 तो यदा कि आ गया 5। तो देख ही लिया किन्ने आसान क्वेश्चन बस अपन गुणन खंड बनाने आने चाहिए आ। गुणन खंड के बच्चों की एक होंगी है कि अपन सर देख के किमें पता लगे भी कि संख्या 2 के पहाड़े पर आँदी है 3 तो 5 से। तो वह मैं तुम्हें थोड़ा जहा कॉन्सैप्ट दस दिना ता कि सौखा हो जाए। पहला तो मैं तुम्हें अभाज्य संख्यावान दसदा जिन्हों के पहाड़े उपर आप देखना हों कि पहाड़े उपर संख्या जाऊगी। पहला आप 2 से देखना भी जाती कि नहीं जाती जे 2 उपर नहीं जाती उस 3 के उपर फिर 5 फिर 7 11 13 17 इस तरह इन्हों संख्यावान उपर आप भेजना हों भाज गुणन खंड जो बनाने संख्यावान। हुण मैं तुहानूं दस दिंदा इहदे रूल की आ। हुण 2 दे पहाड़े उपर आपां नूं किवें पता लगू कोई संख्या जाऊ इत्थे लिख देना रूल इहदा कि इहनां नूं बोलदे आ भाज योगता निजम। भाज योगता निजम किहड़े किहड़े आ हुण 2 दा भाज योगता निजम की है कि 2 नाल संख्या उहने भाग होना जिस दा लास्ट वाला नंबर जैन बोलते हैं इकाई अंक लास्ट वाला नंबर जाता होवे 0 2 4 6 8 जे इन्हां चो कोई लास्ट अखर हैगा संख्या का नंबर तो वह 2 दे पहाड़े ते आजूगी अदरवाइज वह 2 दे पहाड़े उपर नहीं जाऊगी। 3 दे पहाड़े उपर वह संख्या आती है जिस दे अंकों का जोड़ 3 दे पहाड़े ते आवे अंकों का जोड़ 3 दे पहाड़े ते आवे। आप जिहड़े संख्या नूं भाग देखना उहदे अंकां नूं जोड़ लेना जिवें 125 नूं जोड़ के देखिया सी 1 दे विच 2 जुड़े 3 3 च 5 जुड़े 8 3 दे पहाड़े उपर नहीं आया इह दा मतलब 125 ने भी 3 दे पहाड़े ते नहीं जाणा। इस तों बाद 5 दे पहाड़े ते उह संख्या आउंदी आ जिहदा जिस दा आखरी अंक जां तां होवे 0 जां होवे 5 जिमें 125 नूं आपां देख लिया सी वी उहदा लास्ट वाला अखर 5 इहदा मतलब उह किहड़े पहाड़े ते 5 दे पहाड़े ते जाऊगी। तो मेन इह 3 हुंदे आ अपने कोले। अगे तुसीं जे देखना 7 ते चैक करना 11 ते वैसे भाग करके देख लो जे तां बाकी 0 आ रहा तो पूरा भाग हो रहा अदरवाइज़ नहीं हो रहा। हुण दूसरा देखदे हां आपां कि पता करो बिल्कुल सेम उसे नाल दे क्वेश्चन है भी 9 दे उपर घात हैगी आ 3/2 ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾਤ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਣਨ ਖੰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਆ 9 ਦੇ ਗੁਣਨ ਖੰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਆ 9 ਹੁਣ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣਾ 3 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਤਾਂ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ 3 3 9 3 1 3 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 9 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 3 × 3 ਮਤਲਬ 3 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ 9 ਦੀ ਘਾਤ 3/2 ਦਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਘਾਤ ਕਰਤੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਘਾਤ 3/2 ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਘਾਤਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਗੁਣਾ 2 × 3/2 ਹੁਣ 1 2 ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਪਿਆ 1 2 ਤਾਂ ਪਿਆ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਗਏ ਇਕੱਲਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ 3 ਦੀ ਘਾਤ 3 ਇਹ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 3 × 3 × 3 ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 3 3 9 9 3 27 ਤਾਂ 27 ਆਂਸਰ ਆਜੂਗਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਦੂਜਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 32 ਦੀ ਘਾਤ 2/5 ਤੋਂ 32 ਦੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਣਨ ਖੰਡ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲਏ ਆ ਉਹੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 32 ਦੇ ਆਪਾਂ ਗੁਣਨ ਖੰਡ ਕੀ ਬਣਾਏ ਸੀ ਕਿ 32 ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ 2 ਦੀ ਘਾਤ 5 ਦੀ ਤੋ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਗੁਣਨ ਖੰਡ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 32 ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ 2 ਦੀ ਘਾਤ 5 ਦੀ। ਆਪਾਂ ਮੁੱਲ ਕਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ 32 ਦੀ ਘਾਤ 2/5 ਦਾ ਤੋ ਇੱਧਰ ਵੀ ਘਾਤ 2/5 ਕਰਤੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਘਾਤ ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 2/5 ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 2 ਦੀ ਘਾਤ 5 × 2/5 ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ 5 ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਦੋਨੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਇਕੱਲਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ 2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਾਤ
दो, यदा मतलब दो गुणा दो, किन्ना आंसर आ गया चार। तो क्लीयर है इतों तक। नैक्सट देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हैगा अपने को सोलह के उपर घात हैगी तीन बटा चार। तो तुसी कहने कि आप गुणनखंड बनाने सर सोलह के, तो बना लें। सोलह पहला देखो दो दे पहाड़े उपर जाऊगा, अठ दूनी सोलह हों, अठ फिर दो दे पहाड़े उपर जाऊगा, चार भी दो दे पहाड़े ते जाऊगा, दो आपदे पहाड़े ते जाऊगा। इहदा मतलब सोलह नूं आपां की लिख सकते हैं, दो गुणा दो गुणा दो किन्ने वार आ, चार वार, दो दे घात चार। हुण मुल पता करना आपां सोलह की घात तीन वटा चार का, इधर भी घात तीन वटा चार करती, इधर भी घात किन्नी करती, तीन वटा चार करती। ठीक है, हुण जदों आह वाली घातां नूं आपां की करदे ना मल्टीप्लाई, चार गुणा तीन वटा चार, तां थले चार पिया तां चार पिया, दोनों आपस दे विच कट्टे गए, कल्ला की रह गया दो दे उपर घात तीन, मतलब दो गुणा दो तीन वारी, दो दूनी चार, चार दूनी अठ, आंसर किन्ना आ गया अठ। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आ, जे तुहानूं गुणनखंड बनाउणे आउंदे आ तां आपां बड़े आराम नाल इह सवालां नूं कर सकदे आ। तो आह थोड़ा जिहा ना बदलवां क्वेश्चन आया कि अपने कोल जिहड़ी घात आ उह कादे विच आ गई, घटाओ दे विच। तो ये थोड़ा जिहा डिफिकल्ट हैगा, पर इन्ना ज़्यादा है नहीं गा, देखते हैं किवें करांगे इहनूं। तो जदों भी अपने कोल घात घटाओ वाली होवे, सब तो पहला आपां उहनूं बना लेना जोड़ वाली। किवें बनाउणा, आपां संख्या नूं उल्टा देना विचली नूं। देखो 125 दे उपर घात हैगी घटाओ दे एक वटा तीन की। हुण 125 नूं आपां की लिख सकते हैं, हरेक संख्या के वटे दे विच की हुंदा, तुसीं कहिंदे एक आपां लिख सकते हैं आपदी मर्जी नाल, हरेक संख्या के वटे दे विच। तो लिखता हुण की करना, जदों घात अपने कोल इस तरह दित्ती वी है 125 वटा एक घात हैगी घटाओ वाली, तो घात नूं आपां लिख देंगे जोड़ वाली, पर जिहड़ी आपां विच संख्या लिखी है इहनूं की कर देना आपां उल्टा देना, इहनूं की बना देना एक वटा 125। जिहड़ी संख्या थले सी उहनूं तां लिखता, तां वाली नूं थले, ते जिहड़ी घात आ उहनूं की कर देंगे आपां जोड़ वाली। बस इन्ना काम। इत्थे मैं रूल आ लिख भी दिना किहड़ा नियम वरत्या आपां, नियम वरत्या आपां कि ए वटा बी दी घात जे अपने कोल घटाओ कोई एम दे विच पई आ, तो इहनूं किवें लिख सकते हैं, विचली संख्या नूं आपां की कर देना उल्टा देना, बी वटा ए बना देना, तो उपर घात की कर देनी है जोड़ वाली। आ नियम याद रखना तुसीं। हुण देखो 125 दे तुसीं कहिंदे आपां गुणनखंड बनाए हुए आ, पहला आ देखो एक दी घात एक वटा 125 दे उपर घात हैगी एक वटा तीन। आपां एक होर नियम कीता सी कि जे ए वटा बी दे उपर घात होवे एम, इहदा मतलब की आ, पहला तां उह ए दे उपर घात एम आ, फिर की आ थले बी दे उपर घात एम आ। इहनूं इस तरह लिख सकते हैं ना, ए वटा बी दे कट्ठे दे उपर घात एम आ, इहदा मतलब ए दे उपर अलग घात आ, बी दे उपर उह अलग आ। तां इहनूं भी लिख लो एक दे उपर एक वटा तीन घात, 125 दे उपर एक वटा तीन, तुसीं कहिंदे लिख लिया। हुण एक दे उपर जिहड़ी मर्जी घात पा दो, आंसर उहने हमेशा की देना एक। ये भी क्लीयर आ। हुण आपां इहदा मुल पता करना 125 दी घात एक वटा तीन दा। तुसीं कहिंदे आपां 125 दे गुणनखंड बनाए आ पिछले क्वेश्चन च, किन्ने बने सी 125 दे गुणनखंड, की आए सी 5 दी घात तीन। तां आपां लिख देंगे 125 कहदे बराबर अपने कोल 5 दी घात तीन दे। आपां मुल पता करना 125 दी घात एक वटा तीन दा, तां इधर भी एक वटा तीन घात करती, इधर भी करती एक वटा तीन। हुण आह घातां की होगा आपस दे विच गुणा, जदों गुणा होगा तां तीन पिया थले तीन पिया, दोनों कट्टे गए, कल्ला रह गया 5 दी घात एक, मतलब कल्ला 5। तां इहदा मुल किन्ना आपां कढ रहे, कल्ला 5। तां सारे सवाल दा किन्ना आंसर आ गया एक वटा 5। यही आपां पता करना सीगा। तो इत्थों तक अपने दो सवाल हो गए, अगे देखते हैं तीजा सवाल सरल करो वाला। अगे थर्ड क्वेश्चन हैगा सरल करो। देखो सरल करो का मतलब की हुंदा अपने कोले, कि कोई भी अपने कोले जिहड़ी दित्ती हुई आ रकम उहनूं आपां सिंपल करके लिखना, जिवें आ दो तरह नाल दित्ती हुई है, दो दी घात दो वटा तीन, दो दी घात एक वटा पंज, इहनूं आपां सिंपल करके लिखना भी किवें लिखांगे। तो देखते हैं फस्ट क्वेश्चन, देखते हैं आपां किवें करांगे। पहला हैगा दो दे उपर घात दो वटा तीन गुणा दो दी घात एक वटा पंज। इहदे विच आपां नूं नियम याद रखने पैणे जिहड़े आपां कीते सी। तो नियम किहड़े किहड़े सीगे, उह पहला आपां लिख लैंदे हां। इत्थे
पहला निजम अपने को ए की घात एम नाल कोई ए की घात एन पई हो, मतलब आधार बराबर होण विचाले चिन्ह हो गुणा का घाता की हो जाएगा जुड़ जाएगा, पहला निजम ए। दूजा निजम की सगा जे ए दे उपर घात कोई एम आ उहदे उपर घात एन पई है, जिहड़ा कि आपां पिछले क्वेश्चनां दे विच वरत्या रूल कि घातां की हो जांदियां आपस दे विच मल्टीप्लाई गुणा। तीजा निजम आपां कीता सीगा कि ए दी घात एम जां वटे दे घर विच ए दी घात कोई एन होवे, मतलब आधार बराबर होण पर पए वटे दे विच होण तां घातां की हो जांदियां आपस दे विच घटाओ। चौथा आपां रूल कीता सी कि जे ए दे उपर घात एम आ बी दे उपर घात एम आ, मतलब आधार तो अलग अलग होण पर घातां की होण दोनों दियां बराबर, आपां की करना उन्हां कट्ठा लिख सकते हैं गुणा करके ए गुणा बी की घात एम। पंजवा रूल अपना यह सी कि जे किसी संख्या के उपर घात जीरो आ उहदा आंसर हमेशा किन्ना रहना एक। तो ये तुसी रूल आ जिहड़े पंज ये याद रखने हैं, फिर आपां इन्हां क्वेश्चनां नूं कर सकते हैं। हुण देखो फस्ट क्वेश्चन की है अपने कोले कि दो दे उपर घात है कि दो वटा तीन गुणा दो दे उपर घात एक वटा पंच, हुण दोनों के आधार बराबर आ, देखो इत्थे भी दो आ इत्थे भी दो आ, विचाले चिन्ह का मल्टीप्लाई का गुणा का घातां की हो जाणगियां जुड़ जाणगियां, ठीक है। मतलब दो वटा तीन दे विच की जोड़ना है आपां एक वटा पंच, तो इत्थे राफ कम ते जोड़ लैंदे आ दो वटा तीन जोड़ एक वटा पंच। जदों दो वटे वालियां संख्यावां होण विचाले चिन्ह होवे उहनां दे जोड़ दा, आपां की करनी आ तिरछी गुणा, पंज नूं दो नाल गुणा कीती पंज दूनी दस जोड़ तीन एकम तीन वटे दे विच इन्हां दोनों की गुणा पंज तीए पंद्रह तो किन्ना बन गया दस ते तीन तेरह वटे दे विच पंद्रह, इहदा मतलब इहदा आंसर किन्ना आ गया दो की घात तेरह वटा पंद्रह। बस इत्थों तक आपां करना इहनूं अगे हल जिहड़ा नहीं करना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं की आ कि एक वटा तीन दे उपर घात तीन उपर घात हैगी आ सत्त, तुसीं कहिंदे आपां रूल करके हटे हाँ इत्थे, पिछले क्वेश्चन भी किया सी कि जे ए वटा बी दे उपर घात कोई हैगी आ तां मतलब वो ए दे उपर भी घात आ बी दे उपर भी है, तां इहनूं लिख लाँगे एक दे उपर घात सत्त तीन वटा तीन की घात तीन दे उपर घात सत्त। हुण एक की घात जिहड़ी मर्जी कर दो पंज छे सत्त, आंसर हमेशा उहने देना एक। इत्थे एक घात अपने कोले पई आ तीन दे उपर ब्रैकट ला के एक होर पई आ, मतलब आ घातां दोनों की हो जाणियां आपस दे विच मल्टीप्लाई, आ दूजा रूल लगदा पिया इहदे विच, तां तीन की घात किन्ना बन जूगा तीन गुणा सत्त सत्त ती आ इक्की, तो यह की आ गया अपना आंसर एक वटा तीन की घात इक्की दूजे का। तीजा देखते हैं, तीजा क्वेश्चन हैगा ग्यारह की घात एक वटा दो ग्यारह की घात एक वटा चार, तुसीं कहिंदे इहदे विच आधार अपने कोले दोनों दे बराबर आ पर विचाले की आ वटा, तो आ लगेगा ना रूल तीसरा कि आधार दोनों के बराबर आ घातां की हो जाणगियां घटाओ, तो इत्थे ग्यारह की घात एक वटा दो घटाओ एक वटा चार। हुण इहनूं हल कर लैंदे आपां राफ कम ते कि एक वटा दो चो एक वटा चार घटाइए किन्ना आऊगा, जदों दो वटे वालियां संख्यावां विचाले हैगा घटाओ तो की होगी इन्हां दी तिरछी गुणा, चार नूं एक नाल पहला गुणा करनी चार विचाले घटाओ इत्थे भी घटाओ, दो नूं एक नाल गुणा कीती किन्ना आ गया दो एकम दो, वटे दे विच आ दोनों की गुणा चार दूनी अठ, हुण चार च दो घटाए दो वटे दे विच हैगा अठ, यह बन गया। हुण दो ते अठ आपां नूं पता दोनों दो दे पहाड़े उपर आउंदे आ एक दूनी दूनी चार दूनी अठ, तो घात किन्नी रह गई एक वटा चार, इहदा मतलब ग्यारह की घात किन्नी बन गई एक वटा चार, यह आंसर आ तीसरे क्वेश्चन का। चौथा देखो सत्त दे उपर घात एक वटा दो आ अठ दे उपर घात हैगी एक वटा दो, तुसीं कहिंदे आधार तो दोनों के बराबर है नहीं पर घातां की आ सेम, तो किहड़ा रूल लगेगा चौथा, इहदे विच की करना आपां जिहड़े आधार आ थल्ले वाले उहनां दी आपस दे विच की कर देनी आ मल्टीप्लाई घात उवें लिख देनी आ, मतलब आपां की करना सत्त गुणा अठ घात उवें रहन देनी आ एक वटा दो, अठू सात छपंजा छपंजा की घात एक वटा दो, ये आंसर आजूगा। तो उम्मीद है तुहानू इत्थों तक जिहड़े सवाल वो समझ लग गए होणगे। नैक्सट वीडियो दे विच आपां जिहड़ा अगला चैप्टर आ तुहाडी क्लास नौवीं दा वह करांगे, उदों तक तुसीं आ पहले चैप्टर की जिहड़ी रिवीजन आ तैयारी आ वह चंगी तरह कर लैणी है।